आप लोग पूछते रहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, कौन है, क्या मैं सिंगल हूँ या नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। और हमने टैटू डिसाइड कर लिया, टैटू हमने कुछ कुछ ऐसा करा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो गए और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और आज का व्लॉग आप टाइटल देख के समझ गए हो, अगर नहीं समझे स्टिल मैं बता देता हूँ। आज हम करवाने वाले हैं टैटू अपने उस स्पेशल पर्सन के लिए जिसने मेरी लाइफ में बचपन से साथ दिया और अब तक साथ है। वो पर्सन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए उस पर्सन के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है। आई होप जो भी मैं करवाने वाला हूँ उसको पसंद आए। बाकी एक बार मम्मी से मिलवा देते हैं। तो अभी जो मेरा टैटू कराने का डिसीजन है मैं मम्मी को बताता हूँ। मम्मी, मैं जो टैटू करवाया हुआ ना, मैंने आज सोचा कि मैं उसको जाकर मॉडिफाई करवाऊँगा, मॉडिफाई इन द सेंस थोड़ा अच्छा और अच्छा करवाऊँगा, ठीक है। तो जिसके लिए वो टैटू करवाया उसको पसंद आएगा नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा। जो टैटू जिस पर्सन के लिए करवाया जा रहा है वो पर्सन आपके लिए कितना स्पेशल है? जितना तू है उतना वो है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब वो पर्सन हमारी फैमिली का ही हिस्सा है, बट अभी हम आपको दिखाते नहीं है। कब कब दिखाया जाए आपको? कब दिखाया जाएगा? टाइम आने पे ना, मतलब जब टाइम आएगा आप दिखाया जाएगा। तो अभी निकलते हैं घर से, मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। जा रहा हूँ, पैसे तो दे दो टैटू करवाने के लिए। थप्पड़ लगावांगी मुझे ते? क्यों हैं वेले काम मेरे लो पैसे या नहीं? वेले काम क्या, जिंदगी में इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूँ मैं। स्टेप ले रहे हैं ना, अपने ले रहे ना, मेरे लिए थोड़ी ला रहे हैं। अब वो पर्सन आपका भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो जब आएगा तो देगा क्यों पैसे? उसको क्यों दोगे, मेरे को देना है ना पैसे। सगन होना भाई तो तन थोड़ी भाई। सगन डाल। ओ सॉरी। बाय गाइस, मैं रास्ते में मिलता हूँ आपको। जी फाइनली निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, और मंजिल की ओर निकलने से पहले 3 घंटे का वेट करवाया गया इस पर्सन की वजह से। इन्होंने मतलब इतनी गोली देता है लड़का, इतनी गोली देता है, और उसके बाद फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। मैं इसके घर गया हूँ और उस टाइम ये भैया लेट के मूवी देख रहे हैं। इसको पता जाना है पर मूवी देख रहे हैं। इतनी धूप में कैसे निकलोगे? ये है बर्फ, ये धूप में जाएंगे और पिघल जाएंगे। नाजुक कली है ना ये जिंदगी में। लास्ट टाइम ब्लॉग किया था ना, तो गाइस तुमने भी देखो इसी आउटफिट में देखा, आप सोचोगे गरीब है, इसके बाद है ही ये कपड़े। आप लोग पूछते रहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, कौन है, क्या मैं सिंगल हूं या नहीं। मैं सिंगल नहीं हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है, और इसलिए मैं वो सिग्नेचर करवाने जा रहा हूं कि हां भी ये जिंदगी मेरी उसके नाम है। तो हम इससे भी पूछ लेते हैं कि जो मेरा डिसीजन जो मैंने लिया है, पहली बात तो आप बताओ जो पर्सन जिस पर्सन के साथ मैं हूँ, ठीक है, वो पर्सन आपको कैसा लगता है? शी इज लव। वो बहुत मतलब उनका नेचर ऐसा है कि आप गाइज अब जब उनको व्लॉग में देखोगे ना तो लिटरली आपको खुद पता लग जाएगा कि वो क्या चीज है। ये कुछ भी नहीं है यार, मतलब मोस्टली सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं उनके उसके सामने कुछ नहीं हूँ। हाँ, और वो रियलिटी भी है। जब आप देखोगे ना आपको होगा ये भगवान ने कैसे कर ये हो कैसे गया, बट स्टिल हो गया। वो पर्सन जो भी है हमारी मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके लिए आज मैंने उसकी फेवरेट शर्ट पहनी है। मतलब ये तो मेरे को नहीं पता था, कसम से ये शर्ट उसी ने पसंद करी हुई है। ओ तेरी। तो मेरे को ये था कि अगर मैं जा रहा हूँ उसको स्पेशल फील करवाना है, क्योंकि वो भी व्लॉग देखेगी ना, ऑब्वियसली व्लॉग देखेगी, तो उसको स्पेशल फील होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसकी मतलब पसंद करी हुई शर्ट ही पहनी है। तो मुझे ये है कि अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी तो जा रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंच के टैटू वाली जगह आपको बताते हैं और क्या टैटू करवाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली हमने टैटू प्लेस पे आके टैटू डिसाइड कर लिया, जिसमें हमने कितने घंटे लगा दिए। इतना टाइम खोटी करते ना गाइस, ये 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा उनका भी टाइम वेस्ट करा, हमारा तो करा ही करा है। और समझ में हमने टैटू डिसाइड कर लिया, टैटू हमने कुछ ऐसा करा है जो कि मैम की मेड से यार मुझे मत लो। अच्छा नहीं ले रहे ना, बहुत देर से मैम जो है इसको घुमाते हैं, फिर ऐसे रख देते हैं। घुमाना है इसको अभी तो। अच्छा ये ऐसे रख दिया ये। और मेरे को इतनी देर से पता क्या लग रहा है, मैम ने टैटू शुरू करा, घुमाया, खत्म, चलो घर। अच्छा चलो आदमी घर। या तो इस टैटू के बाद ऐसा होगी मैं एक और टैटू करवाने की हिम्मत होएगी, नहीं तो फिर मैं आज के बाद कभी टैटू नहीं करूँगा। कहाँ है पिन, कहाँ है? अभी नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं हुई है। मुझको करवाना है आपको, टैटू करवाना आपने, मैंने नीड ही नहीं। अगर मैं फ्री में करवाऊँ तो भी नहीं करवाना। सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस मी। ठीक है, जिसके लिए करवा रहे हैं अब देखना। तुम थोड़ा सा ये दस्ताने पहन रही है मैम,
फ्यूचर आपको अपनी शर्ट क्रॉप टॉप बनानी तो बना सकते हैं। ठीक है, टिप्स ले मेरे से, फैशन टिप्स। आई लाइक योर चोटी, थैंक्स, आई नीड सम सपोर्ट मैन। क्रॉप टॉप करूं मेरी ब्यूटी ना दिख जाए बस। क्रॉप टॉप ही ऑफ शोल्डर हो, ऑफ शोल्डर, ऑफ शोल्डर, ऑफ शोल्डर, क्रॉप टॉप के नीचे दो। मेरे को मतलब क्यों लग रहा है डिसीजन गलत है। और अभी मेरे को 10:45 मिनट झेलनी है, घंटा भी लग जाएगा। अभी यहाँ पे टैटू का कितना पार्ट हो गया, हाफ, एक पगड़ी बनी है, हाफ पार्ट हो गया। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? खून नहीं निकलता। तू चाहता है मेरा खून निकले? नहीं नहीं, खुशी नहीं हो रही कि मैं बिना खून निकालने कर रहा हूँ। निकल रहा है और क्या मैम, हाफ हो जाए तो आप बता देना, फिर मैं कर लाऊंगा बाकी के लिए। ठीक है, क्या ना दादा क्या बोल रहा है? ये इसका नया तरीका कहीं भी नई जगह जाके खाना मांगने का। और उन्होंने अभी भी नहीं सुना, नहीं दे रहे। लाइन भी ना, ये फॉरएवर उस फॉरएवर पर्सन के लिए है जिसने अब तक साथ दिया। गुगू का सपना पूरा होते हुए खून निकल गया, खून निकल गया। फॉरएवर ज्यादा दर्द क्यों दे रहा है ये? गाइस देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे। जो मैंने देखा था ना टैटू वैसा बन नहीं रहा, और जो चल रहा है बन रहा है। ये शक्ल से ज्यादा भी ना सुंदर टैटू लग रहा है, इसी पीठ से सुंदर टैटू लग रहा है। तो आप मेरी आगे से अगले व्लॉग में आप पीठ से बात करना, शक्ल से मत करना मेरी बात। पीठ पे कुछ लगाया, बहुत जलन हो रही जिससे। और ले 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 ले। मैं दिखाता हूँ, जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत अच्छा करके दिया मैम ने, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, ये भी साथ में थे, इन्होंने भी बहुत हेल्प की है इनकी टी-शर्ट सेट करने में। मैम आपसे एक चीज पूछनी है, मेरे को नहीं पता कि लाइक मैंने जिसके लिए टैटू बनवाया उसको कैसा लगेगा, आप के लिए अगर कोई ऐसा करे तो? मेरे लिए ऐसा कोई करे तो हां मैं तो खुश हो जाऊंगी। मतलब ऐसे खुश होते नहीं, मतलब सीरियसली ऑन द सीरियस नोट, मतलब आपको पता नहीं कि उसने ये करा है और आपको सरप्राइज दे, बहुत ज्यादा खुशी होगी और हैप्पी हैप्पी हो जाऊंगी। बहुत ज्यादा थैंक्स। चलो कोई नहीं गाइस, मैडम जिन्होंने इतना मतलब अपनी कारीगरी करके जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। फाइनली इतनी गर्मी में धक्के खाते हुए अपना मेन काम करवा के हम घर आ चुके हैं। और आपको बता दिया जाए, हमारे घर पे एसी है जो कि चलता भी है और फुल ऑन फुल नहीं, लोगों का अभी चलता, थोड़े घर स्पेशल चलता है। हां थोड़े घर स्पेशल चलता है, मतलब हमारे घर भी एसी है तो वो चल रहा है। ठीक है, समझ चल रहा है जो मैंने आज करके आया। अरे यार वो उसके मतलब उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हिज लव इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो कर दिया ना, मैं कहता हूँ कोई खास बंदे अगर कर सकता हो वो अपने पार्टनर के लिए कर वहाँ पहुँच गया था आ चुके नहीं तो कर पाएगा। मेरी थोड़ी इज्जत में कोई लगानी पड़ेगी, मम्मी के पूरे पूरे वो आने चाहिए रिएक्शन। कहाँ सब आ रहे? 500 रुपये मैं जेब से दूंगा। एसी में मेरे को पसीने छूट रहे हैं क्योंकि मम्मी देखते देखते चटका लगा मारते।
हाउ इज इट चलो रहना या सिख को लेना हो गया प्यार बन गया ना सोना लग रहा है कि नहीं लग रहा सोने अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा ऊपर फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए पी और एस पी मतलब परीक्षित एस मीन आपकी बहू क्या क्या तो गाइस क्या आप रेडी हो उस पर्सन का रिएक्शन देखने के लिए जिसके लिए सब करवाया गया इतनी मेहनत करवाई गई आप रेडी हो यस मैं तो आप रेडी हो रेडी है आप भी रेडी हो जाओ रुक जाओ फोन मिलाता हूं हेलो फ्रॉम लाइक वेरी लॉन्ग टाइम आई एम टेलिंग यू ना आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू यस सो जस्ट वेट एंड वॉच ठीक है फिंगर टू वॉच There is no one on one ki kehne na one on one option it's only one it's only one but bahut nice lag rahi hai editing in club hai ps mein na yes thank you nanda you look so nice meri aankhon mein aansu aa gaye ye jo aap dialogue bola na bahut meethi bleed kar rahe ho aap aise aap acting mein bilkul layak nahi ho aap thuko aap It's like bothering me right now, and it's also like one hour. It's not one hour, it's 45 minutes. Why are you crying? Oh! पागल हो like ठीक है तुसे जिम करते हो आई कैन अंडरस्टैंड यू नो बट अब बॉडी बिल्डर समझते हो कितने और यू वांट टू गो फॉर कंपटीशन एंड आई एम गोना शो माय टैटू यू नो पीपल विल नॉट वोट मी फॉर दिस यस आई एम अ बॉडी बिल्डर यू डोंट नो इट आई नो गुगु यस आई नो मेरी बॉडी थी बिल्डर कैसे जा रहा है मेरी बॉडी थी बिल्डर सो लिटरली यार इट इज सो फैंटास्टिक And he's so strong, man. But like the only thing is bothering me that forever is like very on the top. It's like painful area. Because forever need आपको किसी के साथ forever करने के लिए pain झेलनी पड़ती है. Forever means forever. Forever means forever. I know. Just like you and me, forever. हमारी जो होने वाली है लानेदारनी. हमारी लानेदारनी जो है वो मतलब रूबरू कराएंगे वो मास्क में बैठी हुई है क्योंकि उनकी शक्ल को हमने अभी प्राइवेट रखना है जब टाइम आएगा तब हम रिवील करेंगे ठीक है तो आप कुछ कहना चाहोगे इस टैटू के बारे में जो आपने देखा है आज आई एम वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल आल्सो आई एम सैड एज़ वेल द पेन ही हैज़ टू बेयर फॉर यू नो फॉर एन आवर इट्स बीन अ बिग यू नो काइंड ऑफ grudge inside me which I really don't like it and I'm also like kind of upset for him but like I'm happy for this forever I saw it I know he's the only person can do for me so no I, no one else can do that for you na yeah I know that's I appreciate him for this so I love him thanks for this बस इसके आगे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है मैं कह रहा हूँ आपने दिल ही जीत लिया बातें बोल के सारी चाहे आपने बोली इंग्लिश में है आधी मेरे को समझ नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है मैं फिर भी खुश हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा तो गाइज आई होप आपको इनकी बातें समझ आई होंगी जैसे मेरे को थोड़ी थोड़ी आई हैं आपको क्लियरली आई क्योंकि आप पढ़े लिखे हो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया ब्लॉग में अगर आप ऐसे ही इनके साथ ब्लॉगिंग देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना तब तक के लिए बाय बाय लव यू से लव यू टू देम बाय
love you, bye. Love you too, bye. Bye guys.